पब्लिक टीवी आपकी आवाज। क्या आज वो नेता जेलों के अंदर है जिन्होंने हिंदुस्तान के कमजोर लोगों की आवाजों को बड़ी मजबूती से बुलंद किया, और वो लोग जेलों के अंदर भेजे जा रहे हैं जिन्होंने दिल्ली के अंदर शानदार शिक्षा का निजाम बनाया, और एक तरफ वो लोग हैं जो दिन रात लोगों को लूटने का काम कर रहे हैं। ये केंद्र के अंदर बैठी हुई भारतीय जनता पार्टी की सरकार अडानी के साथ मिलकर जो घोटालों को अंजाम दे रही है उन घोटालों नहीं आग यहाँ लोकतंत्र बचाओ रैली थी आम आदमी पार्टी की, तो इसके अंदर हम लोग आए सब लोग, और मुरादाबाद के लोगों ने आज यहाँ पे आम आदमी पार्टी के संगठन ने इसका आयोजन किया था, तो उसी के अंदर हम लोग यहाँ आए। और आवाम में बड़ा जोश है, बड़ा गुस्सा है कि आज संजय सिंह जी के ख़िलाफ़ और जितने भी विपक्ष के लोग हैं आज उनकी आवाज़ को दबाने के लिए ईडी सीबीआई का प्रयोग किया जा रहा है। क्या मैं समझा नहीं क्या कह रहे हैं? कैसे प्रसाद मौर्य जी राम मंदिर का अंतर दिया जलाने के लिए नहीं पहुंच पाए, क्या मानते हैं? देखिए मैं तो यहाँ लोकतंत्र बचाओ रैली के अंदर आया हूँ, और यहाँ जो संजय सिंह जी के खिलाफ जो एक षड्यंत्र केंद्र सरकार रच रही है और आम आदमी पार्टी और सारे विपक्ष के लिए, चाहे वो एनसीपी हो, चाहे वो तृणमूल कांग्रेस हो, चाहे वो जितने भी विपक्ष के लोग हैं, आज उनके खिलाफ ईडी सीबीआई का प्रयोग करके जो एक लोकतंत्र की हत्या करने का काम जो भाजपा कर रही है 2024 के इलेक्शन से पहले, आज उसी के विरोध में आम आदमी पार्टी की मुरादाबाद ज़िला के अंदर ये लोकतंत्र बचाओ रैली थी का आयोजन था। इसके अंदर हम लोग आए और लोगों में बड़ा जोश है, बड़ा उत्साह है, बड़ा लोग बाग निराश भी हैं इन सब चीज़ों को लेकर, और लोग बाग चाहते हैं कि देश के अंदर जो संविधान है संविधान का राज रहना चाहिए और अभिव्यक्ति की आज़ादी पे किसी किस्म की पाबंदी नहीं लगनी चाहिए। अगर आप पार्लियामेंट में बैठ के कुछ गलत करते हैं, अगर मणिपुर में कुछ होता है, अगर उसकी आवाज़ उठाने का काम संजय सिंह जी करते हैं, तो क्या उन्हें ईडी सीबीआई के जरिए प्रताड़ित किया जाएगा? 24 की तैयारी तो जनता कर रही है, 24 की तैयारी कश्मीर से कन्याकुमारी तक पूरे हिंदुस्तान में जनता कर रही है। आज जनता चाहती है, जनता ये नहीं चाहती है कि आप बांटने की राजनीति करो, आप लड़ाने की राजनीति करो, आप खाली जुमलों की राजनीति करो, जनता चाहती है आप उनके बच्चों को अच्छी एजुकेशन देने की राजनीति करो, जनता चाहती है आप एक एक व्यक्ति को अच्छी स्वास्थ्य सेवाएँ देने की राजनीति करो, जनता चाहती है कि आप घर घर तक मुफ्त बिजली पहुँचाने की राजनीति करो, जनता चाहती है कि महिलाओं की सुरक्षा की राजनीति करो, जनता चाहती है बुजुर्गों के सम्मान की राजनीति करो, हिंदुस्तान को दुनिया में नंबर वन बनाने की राजनीति करो। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।